गोगो हो गया है रेडी स्कूल के लिए और हाथ में आज फूल लेके जा रहे हैं। तुम काके दिवे? काके दिवे बोलो बोलो मैम के काके दिवे। अच्छा, हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद संचिता। नया दिन नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और गोगो को स्कूल के लिए रेडी हो गया है, निकल गया है, बस गाड़ी ले रही हूँ और सुबह सुबह बहुत सारा बैग लेके निकल रही हूँ क्योंकि मुझे एक टेलर मिला है पोगो के स्कूल के पास में ही, जो छोटा मोटा जो काम रहता है बहुत सारा, उसको और बाज़ार में लेकर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो लोग बहुत बाज़ार में बहुत भीड़ रहता है तो बहुत टाइम लगा देगा। यहाँ पर ही देंगे तो फटाक से कर दे रहा है। मैंने कल भी एक लेके गई थी और मुझे पता नहीं था, बट मतलब तुरंत करके मुझे दे दिया, तो इसलिए आज ही मैं लेके जा रही हूँ लोगों को स्कूल में छोड़ के। मैं वो काम करके फिर आऊँगी। चलिए निकलती हूँ, वो भी रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गया हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सुबह तो ब्लॉग स्टार्ट किया फिर कंटिन्यू ही नहीं कर पाई, इतना हड़बड़ी हुआ। फिर स्कूल से आकर रेस्ट लेकर अभी निकल रही हूँ और आज नॉट फॉर पूजा शॉपिंग, आज है वेकेशन के लिए लास्ट मिनट शॉपिंग, क्योंकि पूजा तो फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा और आज हो रहा है ट्यूसडे, सो बस हाथ में दो ही दिन रहा। तो दीदी के साथ जा रही हूँ, लास्ट मिनट का जो कुछ सामान लेना है वो लेना है और पार्लर जाना है वो बाकी है, तो वो तो एंड में ही मतलब कुछ दिन आगे ही तो जाना है, इसलिए पार्लर का सेशन अब आज ही होने वाला है। तो चलिए निकलती हूँ, पोगो सो रहा है और टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, तो जितना जल्दी हो सके घर चली आऊँगी क्योंकि स्कूल से लौटने से मुझे बच गया 4। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया 5 बजे और फिर रेडी होके अभी 5:30 बज गया है, निकल रही हूँ। तो चलिए आप लोग मेरे साथ, और क्या पूजा तो बाहर फुल स्टार्ट ही हो चुका है। तो हम लोग निकल चुके हैं और सबसे पहले जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि पोगो का बहुत छोटे छोटे चीज का ज़रूरत है, वो तो विशाल में ही ठीक ठाक मिलता है। तो चलिए, ऑलरेडी 6 बज गया है, हम लोग 1 घंटा लेट से चल रहे हैं, घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, क्योंकि सैलून में तो लंबा लाइन लगेगा। और जोजो भी है साथ में, जोजो का हाफ शॉपिंग हुआ है हाफ नहीं हुआ है, बाद पूजा के बाद करना बाकी, ठीक है माता जी का फर्ज। तो दीदी का फुल लुक ही चेंज हो गया है, पूजा पूजा लग रहा है, पूजा आ गया, ठीक है, जय शाबाश की लग छे। तो हम लोगों का हो गया आज के लिए कंप्लीट, अभी घर ही जाते हैं। पार्लर में इतना टाइम लगता है ना, इतना टाइम लगता है, 8 बज गया, 8:30 बज रहा है, घर चलती हूँ।
साढ़े पाँच बजे निकली, साढ़े आठ, कुछ भी काम वैसा नहीं था, फिर भी हो गया साढ़े आठ। हमा गुड़ी बाबरे सो इन दोनों का डिनर हो गया है, रात के भी बज रहे हैं 10 और मैं बैग लेके बैठी हूँ एक और देखती हूँ पैकिंग स्टार्ट करना है। सो इस तरह मैंने एक रेड ब्लाउज पर लेस लगा दिया है और यही टेलर वाला काम आज करवाने के लिए गई थी। तो ये एक डिजाइनर ब्लाउज बन गया है, मेरे पास रेड एक प्लेन ब्लाउज था उसके साथ लेस लगा दिया है चारों तरफ, हाथ में भी और बैक में भी और सामने में भी। तो इसी तरह मैंने एक नॉर्मल ब्लाउज को डिजाइनर ब्लाउज बना दिया है और ये मैं पहनूंगी दशमी के दिन सिंदूर खेला में। सो ये रेडी है, तो चलिए पैकिंग थोड़ा बहुत स्टार्ट करती हूँ। अभी टाइम है, मतलब पोगो तो 11 बजे 11:30 बजे सोएगा। दो बैग पैक करना है। चलिए सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए सरप्राइज ही रहने दूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ओके, और कौन कौन जा रहे हैं। तो ये बहुत एक मिस्ट्री वाला रहेगा। सो व्लॉग को देखते रहिए क्योंकि बहुत अच्छा जगह हम लोग जा रहे हैं। और एक बात मैं बोल सकती हूँ कि ये हमारा लॉन्गेस्ट ट्रिप है आफ्टर मैरिज, ओके। हनीमून ट्रिप भी हम लोगों का इतना दिन लंबा नहीं था, लगभग 9 दिन का हम लोग इस बार ट्रिप कर रहे हैं। सो इसीलिए पैकिंग थोड़ा मतलब सोच समझ के करना ही है, लगेज ज़्यादा ना हो, 9 दिन का मैटर भी है। पोगो के लिए विंटर कपड़ा भी रखना है थोड़ा बहुत, 9 दिन के लिए थोड़ा बहुत, उसको तो खाना लेके जाती हूँ मैं साथ में जितना हो सके, तो वो भी करना है। ठीक है, बातें बाद में, काम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दो बैग यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है और भी होगा, बस यहाँ पर दो बैग ही रेडी हुआ है। और बालों में मैंने ऑयलिंग कर लिया है, कल सुबह शैम्पू करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना और फॉलो करते रहना चैनल को, क्योंकि पूजा और वैकेशन बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग आने वाला है। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, रात भी हो चुका है। सो बाय बाय।